हेलो स्टूडेंट, आई एम एम के त्यागी। बात करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर रिओप्टिक्स। जैसे तुम्हें पता है, हमारा मेजर टॉपिक चल रहा है प्रिज्म, और प्रिज्म में कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे डेफिनेशन एंड इट्स बेसिक ऑफ प्रिज्म। सेकंड वन इज़ रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म। ओके, तो पिछली दो वीडियो में हमने डेफिनेशन एंड बेसिक ऑफ प्रिज्म की बात कर चुके हैं हम, एंड रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म की। ओके, ये दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अगर ये क्लियर नहीं है तो पहले उनको देखना एक बार लास्ट वीडियो में जाके, और फिर हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो इसको ज़रा देखते हैं। तो देखिए, जैसा हमने लास्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म में अपना ये रे डायग्राम बनाया था, तो मैं इसे शॉर्टली एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, लेट ए रे पी क्यू इंसिडेंट ऑन ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी एट एंगल आई। ओके, ये हो गया इसका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, हेयर डैश डैश लाइन रिप्रेजेंट नॉर्मल। ओके, आर वन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सरफेस ए बी। अब जब ये रे ऐसे जाकर इस सरफेस ए सी पर स्ट्राइक करेगी, तो इसका दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, रेरर मीडियम है, रेरर डेंसर रेरर मीन्स सराउंडिंग रेरर, एंड जो मटेरियल है लेंस का वो डेंसर है। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। तो जब डेंसर से रेरर में जाएगी, डायरेक्शन ये था लाइट का, लेकिन डेंसर से रेरर में आने की वजह से ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, और इस एंगल को बोल दिया हमने इमरजेंट एंगल। और इमरजेंट एंगल क्या है? एंगल बिटवीन इमरजेंट रे टू नॉर्मल। ओके, देखिए इमरजेंट टर्म का इसलिए हम स्पेशली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टेड इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे तो ये भी है और ये भी है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो फाइनली जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, इसी को हम इमरजेंट रे बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म हो गया है, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलने वाले हैं। अच्छा, बात बचती है डेविएशन की, जो हमारा मेन टॉपिक है, इसकी अब हमें बात करनी ही है टोटली। तो देखते हैं, टॉपिक होने वाला है अब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे पहले डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। मैं एक बात रिपीट करना चाहूँगा, जब तक हमें ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर नहीं है, तब तक हम एंगल ऑफ डेविएशन को क्या, इसके बाद आने वाले किसी भी टॉपिक को क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। तो अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, तुम्हें पहले ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, तब जाके हम एंगल ऑफ डेविएशन पर आ पाएंगे। ओके, तो खैर, हमें बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ना है। डेफिनेशन इसकी हो गई है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये इमरजेंट रे, और इसके बीच जो एंगल है, इसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अब हम एंगल ऑफ डेविएशन का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन हो गई है एंगल ऑफ डेविएशन की। अब देखते हैं, बाय रे डायग्राम ऑफ प्रिज्म इन क्वाड्रेटोरियल ए क्यू एम एन, लुक हियर ए क्यू एम एन। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू एम प्लस एंगल क्यू एम एन प्लस एंगल एम एन ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तुम्हें पता ही है, क्वाड्रिलेटरल का जो हमारे चारों एंगल होते हैं, इन सब का सम कितना होता है? 360। तो कौन कौन से एंगल हैं, मैं इसमें देखते हैं। एक तो है ए प्लस, दूसरा क्या है ए क्यू एम, तो एंगल ए क्यू एम, ज़रा ध्यान दीजिए, इसको मैं सिर्फ ए लिख रहा हूँ, इसको क्यू ए एन ए लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल होता है, ये एंगल स्पेशल होता है, जिसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसे स्पेशल नहीं है, तो इनको हम ए क्यू एम इस तरीके से ही लिखेंगे। तो लिख दिया है ए क्यू एम प्लस एंगल इस क्वाड्रेटरल में, चार एंगल ढूंढने हैं हमें, एक दो तीन चार। ठीक, तो एक हो गया, ये हो गया, दूसरा कौन सा है? क्यू एम एन, क्यू एम एन प्लस लास्ट वन क्या है? एम एन ए। तो एंगल एम एन ए,
इन सब का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ओके, लेकिन देखिए ये क्या है, नॉर्मल है इस सरफेस के साथ, और नॉर्मल सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो ट्रायंगल ए सॉरी एंगल ए क्यू एम कितना हो जाएगा, 90। इसी तरीके से एंगल एम एन ए भी कितना, क्योंकि ये भी नॉर्मल है, और नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो देखिए ये एंगल जो है ए क्यू एम और एम एन ए, ये दोनों कितने हो जाएंगे 90 90 के। तो इम्प्लाइज दैट ए को ऐसा रखा, प्लस क्यू ए ये भी 90 डिग्री, प्लस ये तो इतना ही रहेगा क्यू एम एन, क्योंकि क्यू एम एन क्या है, क्यू एम एन तो ये है क्यू एम एन, तो ये तो कोई हमें पता नहीं है कितना है, इसको तो ऐसे रखना पड़ेगा। और लास्ट वन इज अगेन 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। डन हो गई बात। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल क्यू एम एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, 180। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट से एक नए स्टेप की ओर, जरा डायग्राम देखते हैं, रे डायग्राम दोबारा। इस पॉइंट को कुछ एज्यूम कर लीजिए, लेट एल। ओके, तो देखिए इन ट्रायंगल एल क्यू एन, एल क्यू एन डेल इज एक्सटीरियर एंगल इन ट्रायंगल एल क्यू एन, ठीक है, डेल इज एक्सटीरियर एंगल। ओके, और हमें पता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, हमने थ्योरम पढ़ी है क्या, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू टू इंटीरियर एंगल्स। ये अब इस एंगल को, ये जो तो आप देख पा रहे हो ये, इसको अपन क्या नाम दें भाई, डेल जो है वो इसके और इस एंगल के इक्वल होगा। ओके, अब इस एंगल को हमें क्या नाम रखना है, इसको नाम रखिए आप एल क्यू एंड एन, एग्री। इस एंगल को क्या रखोगे, यहाँ से यहाँ तक एल क्यू एन, और इस वाले एंगल को क्या रखोगे, ये जो है ये, इसको रखोगे एल एन क्यू। ओके, तो डेल इज इक्वल टू क्या जाएगा, एल क्यू एन प्लस एल एन क्यू। ओके, तो देखिए बाय ट्राइंगल एल क्यू एन डेल इज इक्वल टू एंगल एल क्यू एन प्लस एंगल एल एन क्यू। ओके, जैसा अभी मैंने तुम्हें बताया था। अब जरा हम अगर इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये टोटल आ रहा है, तो ये भी टोटल कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक आई है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आई हो जाएगी। और मुझे इसका पता लगाना है, यहाँ से यहाँ तक आर वन है, तो ये कितनी हुई, आई माइनस आर वन, आई माइनस आर वन प्लस। अब बात करते हैं एंगल एल एन क्यू की, एल एन क्यू की, देखिए ये आई सॉरी ई, तो यहाँ से यहाँ तक ई हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक आर टू हो गया, तो ये कितना बचा, ई माइनस आर टू, ई माइनस आर टू, क्लियर। तो देखिए डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर टू। अब जरा नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, देखिए बाय ट्रायंगल क्यू एम एन, चलते हैं क्यू एम एन में, क्यू एम एन ट्रायंगल है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल क्यू एम एन, आई मीन दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमने वही लिखा है क्यू एम एन प्लस आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन थर्ड। अब ज़रा देखिए ये तो हो गई इक्वेशन थर्ड, और ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये रही 180, सम इक्वल टू 180, सम इक्वल टू 180। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या कह सकता हूँ,
मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, और जब मैं इन दोनों को इक्वल करूँगा तो एंगल क्यू एम एन से क्यू एम एन कैंसिल हो जाएगा और क्या जाएगा, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ओके, और ये वैल्यू रख देते हैं हम इक्वेशन टू में। तो बाय इक्वेशन सेकंड डेल इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, और आर वन प्लस आर टू क्या है, ए। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन का डेरिवेशन। ओके, ठीक है, तो डेविएशन हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है डेविएशन किस किस पर डिपेंड करता है ना, या पेपर में आ जाया करता है प्रूव दैट डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो ये इसकी डिपेंडेंसी भी देख लेते हैं एक बार। तो याद रखना एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन ओनली आई, क्योंकि देखिए ई खुद आई पर डिपेंड करती है ना, तो डेल आई पर तो डिपेंड करे, ई पर तो डिपेंड करेगा नहीं, ना ही ए पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ए होता है कॉन्स्टेंट किसी प्रिज्म के लिए। तो डेल डिपेंड्स अपॉन आई फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट इज देखिए जितना ज़्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वोलेट कलर के लिए ज़्यादा, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, वोलेट कलर की वेवलेंथ भी होती है ज़्यादा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वोलेट कलर इज मोर कम्पेयर टू रेड कलर। ये दो पॉइंट है, इन्हें याद रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख दिया है मैंने, अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में भी आ जाए कि डेल किस पर डिपेंड करता है, तो तुम इन दो पॉइंटों को लिख देना, डेल डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सेकंड वन इज डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। इट मींस डेविएशन फॉर वोलेट कलर इज मोर कंपेयर टू रेड कलर, है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमम डेविएशन की। तो तुम्हें याद हो प्रिज्म से रिलेटेड अब हम तीन टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहले टॉपिक में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म, सेकंड टॉपिक में हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म, और इसी टॉपिक के रे डायग्राम का यूज़ हमने अपने इस टॉपिक में किया है एंगल ऑफ डेविएशन में। तो अगर एग्ज़ाम वगैरह में एंगल ऑफ डेविएशन अकेला आता है, ये सेपरेट आता है, तो हमें ये रे डायग्राम यहाँ पर भी बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी तुम रे डायग्राम को बनाओगे। बेसिक इसको जैसे हमने यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इसका रे डायग्राम बनाना होगा। आई होप ये दो तीन टॉपिक तुम्हारे समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिमम डेविएशन की एंड इट्स ग्राफ विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, तो करते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।